जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञानम। जैसा आप सबको पता है कि नेवी डबल ए और डबल एस आर की वैकेंसीज आ चुकी हैं, उसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने के लिए मैं आप सबके सामने आया हूं। देखिए दोस्तों, जो फॉर्म आया है, जो फॉर्म निकलेगा गाइस, वो आपका निकलेगा, जो फॉर्म आउट होगा वो 8 नवंबर को आपका फॉर्म आउट हो जाएगा, यानी 8 नवंबर को आपका फॉर्म आ जाएगा और लास्ट तारीख जो उसके फॉर्म भरने की होगी वो होगी 18 नवंबर। याद रखिएगा, 18 नवंबर आखिरी तारीख होगी फॉर्म को फिलअप करने की, जमा करने की। और जो एग्जाम होगा, जो आपका एग्जाम होगा दोस्तों, वो होगा फरवरी 2020 में। कितनी पोस्टें आई हैं? जो डबल ए के पोस्टें हैं वो आपके पास 500 वैकेंसीज हैं, जो डबल एस आर की वैकेंसीज है वो है 2200, यानी टोटल दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 2700 वैकेंसीज आपके पास अवेलेबल है नेवी की, जो आई है आपके सामने। अब आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप क्या क्या रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल वो देख लेते हैं। मैंने कहा अगर आप डबल ए का फॉर्म भरना चाहते हैं या डबल एस आर के लिए जाना चाहते हैं तो दोनों का जो एजुकेशन क्राइटेरिया है वो एक ही है। क्या? कि आपके पास 10+2 में 60% या उससे अधिक होना चाहिए, किसमें? मैथ्स और फिजिक्स में मिला के, यानी मैथ्स और फिजिक्स को जोड़ दीजिए तो आपके पास टोटल जो मार्क्स होने चाहिए 60% से या उससे ज्यादा होने चाहिए। और प्लस ये तीन विषय, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में से एक विषय साथ में कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, ठीक है जी। और यही क्राइटेरिया आपके डबल एस आर की भी है कि प्लस टू में आपके पास 60% या उससे ज्यादा होना चाहिए, किसमें? मैथ्स और फिजिक्स में, और उसके अलावा केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में से एक विषय आपके पास अधिक होना चाहिए, यानी कॉम्बिनेशन में। अब देखते हैं इसके एज की बात करते हैं। जो भी कैंडिडेट फॉर्म को भरना चाहता है उसका जन्म 1 अगस्त 2000 या 31 जुलाई 2003 इसके बीच में हुआ होना चाहिए, तब से लेके प्रेजेंट डेट यानी वर्तमान समय तक का उसका एज कैलकुलेट किया जाएगा ना। आप इससे पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, और इसके बाद हुआ है तो भी इसका फॉर्म आप नहीं भर सकते। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? केवल अनमैरिड कैंडिडेट्स ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, नेवी सिर्फ अनमैरिड कैंडिडेट्स को ही लेता है। उसके अलावा रिटन टेस्ट होगा, जो रिटन टेस्ट होगा उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट दो तरीके की बनेगी, एक होगी नेशनल लेवल पे और एक होगी स्टेट वाइज, उसके बारे में अधिक आगे जानेंगे। आपकी मेरिट जो बनेगी रिटन टेस्ट के ऊपर बनेगी, लेकिन आप मेरिट तभी बना पाओगे जब आप इसको क्वालिफाई करो, यानी आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम तभी आएगा जब आपने क्या कर लिया हो, क्वालिफाई कर लिया, किसको? फिजिकल फिटनेस टेस्ट को और मेडिकल स्टैंडर्ड्स को। अगर आपने दोनों टेस्ट क्वालिफाई कर लिए तब जाके आपके मार्क्स मेरिट वाले कंसिडर किए जाएंगे। अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो भले आपका नाम मेरिट में हो तो वो आपको लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। अब फीस की बात करते हैं कि फॉर्म की फीस कितनी है। अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपकी फीस होगी टोटल 215 रुपए, और अगर आप एससीएसटी कैटेगरी से हैं तो आपकी फॉर्म की कोई फीस नहीं ली जाएगी, नील, कोई भी फीस आपसे नहीं मांगा जाएगा। आगे बात करते हैं, अब जो ये मेरिट बनेगी, जो डबल ए का मेरिट बनेगा, मैंने कहा था अभी कि ये पैन इंडिया, पैन यानी क्या, ये नेशनल लेवल पे इसका मेरिट बनाया जाएगा, यानी समूचे भारत से जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है उन सबके बीच में आपके मेरिट निकाली जाएगी, जिसका मेरिट हाई होगा उसका सिलेक्शन होगा। और दूसरी बात मैंने कहा कि जो डबल एस आर की मेरिट निकलेगी वो निकलेगी स्टेट वाइज, यानी राज्य के आधार पे उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी या निकाली जाएगी। एग्जाम का पैटर्न देखते हैं, एक ही एग्जाम होगा डबल ए और डबल एस आर के लिए, कॉमन एग्जाम होगा, ठीक है। जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि ऑप्शनल होंगे, एबीसीडी ऑप्शन होगा जिसको पिक करना होगा। चार विषय होते हैं इस एग्जाम में, चार विषय होंगे आपके पास, एक होगा इंग्लिश, ठीक है जी, एक होगा मैथ्स, एक होगा साइंस, मैथ्स साइंस, और उसके अलावा आपके पास होगा जीए यानी जनरल अवेयरनेस। अगर आप इंग्लिश को छोड़ दें, इंग्लिश विषय के अलावा जो बाकी तीन विषय हैं सबके क्वेश्चंस कैसे होंगे, बाइलिंगुअल, यानी क्या, अगर मैं कहूं मैथ साइंस और जीए इनमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश भाषा में भी, अंग्रेजी भाषा में भी होंगे। अगर चार विषय हैं तो पेपर को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हर पार्ट में कितने क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का एक मार्क है, यानी जो टोटल आपका एग्जाम है वो 100 मार्क्स का होगा, टोटल जो आपका एग्जाम है वो 100 मार्क्स का होगा। अगर आपने कोई गलत उत्तर दिया तो आपके 0.25 मार्क्स यानी 1/4 मार्क काट ले जाएंगे। याद रखिएगा कि जो 25 क्वेश्चन है इसमें से 25 मार्क्स होंगे, 25 मार्क्स में से पर सेक्शन में आपको मिनिमम 8 से 10 नंबर लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए, मेरिट में आने के लिए आपको और हाई स्कोर करना पड़ेगा, बट क्वालिफाई करने के लिए सेक्शनल कट ऑफ भी है और ओवरऑल कट ऑफ भी है। यानी क्या, देखिए लास्ट पॉइंट में यही बता रहा है कि सेक्शनल कट ऑफ भी है और आपका एग्रीगेट कट ऑफ भी है, यानी क्या टोटल मार्क्स में से भी कट ऑफ निकाला जाएगा और आपका सेक्शनल कट ऑफ भी होगा, तो आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है और आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है, ठीक है। इसके लिए आपको 25 में से 25 क्वेश्चन जितना ज्यादा स्कोर कर सके उतना अच्छा, लेकिन मिनिमम आपको 8 से 10 नंबर चाहिए होगा सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए। गलत आपने जवाब दिया तो आपके 1/4 मार्क्स काट ले जाएंगे। जो एग्जाम की जो प्रश्न की कठिनाई का लेवल होगा वो 10+2 का लेवल होगा, यानी कि आप 12वीं के लेवल में जो एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं उसी लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ भी पूछे जाएंगे। आपको इस पूरे क्वेश्चन को, 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरे 1 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी क्या 60 मिनट्स का समय आपको दिया जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिसको ध्यान में रखते हुए आप फॉर्म भरिएगा, मेहनत करिए और ज्ञानम के डिफेंस चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अधिक जानकारी के लिए, अच्छे क्वेश्चंस के लिए, प्रैक्टिस सेट्स के लिए और सिलेक्शन पाने के लिए। तब तक के लिए
हर हर महादेव।